गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछली क्लास में किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसके नियम पढ़े थे, ओके। उसके साथ में कुछ एग्जांपल भी पढ़े थे। आज हम सार्थक अंकों की एक प्रश्नावली सॉल्व करेंगे जिसमें हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्थक अंक के उदाहरण। मैं कुछ उदाहरण डिस्कस कर रहा हूं जिसमें सभी नियम आ जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल है जिसमें हम सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसमें देखें सबसे पहले हजार, कोई पॉइंट नहीं इसमें। दशमलव विहीन संख्या में किसी गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? एक। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक आएंगे? इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन किसी गैर शून्य अंक के बाद आने वाले पॉइंट क्या होंगे? शून्य होंगे, सार्थक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक आ जाएंगे? 3। इसमें दशमलव विहीन संख्या में किसी गैर शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, ये शून्य सार्थक नहीं है, कितने सार्थक अंक हुए? 2। दशमलव युक्त संख्या में किसी गैर शून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 कितने सार्थक अंक हुए? 5। इसमें दशमलव युक्त संख्या में किसी गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, तो 1 और 1 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें दशमलव युक्त संख्या में किसी गैर शून्य अंक के बाद आने वाला शून्य तो सार्थक होता है और पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता है, तो 1 सार्थक अंक और 1 2 कितने सार्थक अंक हो गए? 2। कौन कौन से? ये वाले 4 हो चुके, ये 2 सार्थक अंक हो गए। दशमलव युक्त संख्या में किसी गैर शून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक। 1 2 3 कितने सार्थक अंक हुए? 3। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्थक अंकों में मैथमेटिकल ऑपरेशन। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि सार्थक अंकों में गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये प्रोसेस हम कैसे करें सार्थक अंकों में? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास रहेगा सार्थक अंकों में योग तथा
घटाव। सार्थक अंकों में योग तथा घटाव, इसका रूल क्या है पता है? चाहे आप योग कीजिए या फिर आप कीजिए घटाव, चाहे योग कीजिए और चाहे आप क्या कीजिए घटाव, प्राप्त परिणाम में जोड़ तथा घटाव से प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतनी ही संख्या होनी चाहिए, दशमलव के बाद उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी जोड़ तथा घटाव वाली संख्या में न्यूनतम है। मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप योग करते हैं या घटाव करते हैं, तो योग तथा घटाव करके आपने उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में दशमलव के बाद उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी कम से कम हो किसमें, जोड़ने व घटाने वाली संख्या में। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, मैं जोड़ कर रहा हूं 3716 4.2, ये जोड़ है, इसका आंसर क्या आएगा 6 2 1 3.7 4 11 1 3 और 1 4, आंसर कितना है 4 1.36। अब देखिए रिजल्ट को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका सही आंसर कितना होगा 41.3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्यों? इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो मिनिमम कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद 1 संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो उत्तर में भी आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 ही संख्या होगी, तो आंसर क्या हो गया 41.3। ओके, एक और एग्जांपल देखिए आप इसका, ये आपका योग हुआ, तो योग कीजिए 6 5 3 8 2 1 3 4 5, यहां तो है, इस आंसर को मैं इस तरह नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 4, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 3, तो उत्तर में भी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होगी 3, तो आंसर कितना लिखा जाएगा 0.0 5 3 8, ये आंसर। ये तो ये योग के एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ घटाव का। जैसा नियम योग में लगा है वैसा नियम ही घटाव में लगेगा, तो 0.28 0.134। ओके, तो देखिए
इसमें छह सात तक अंक है,
इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें कितने सार्थक कदम हुए? 4। तो कम सार्थक कदम किसमें हुए? कम सार्थक कदम किसमें हुए? इसमें हुए कितने? 4। तो आंसर में कितने सार्थक कदम हुए? 4। तो इस आंसर को कैसे लिखूंगा? 3, 2.14। ये इसका आंसर होगा। तो मैं सार्थक अंकों में गणितीय संक्रियाएं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें दो बार लगेंगे, मैं रूल्स आपके सामने वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए रूल्स क्या है, एक तो हमने किया था योग तथा व्यंजन, जोड़ तथा घटाव। जोड़ तथा घटाव में तो क्या नियम बनता है कि जोड़ तथा घटाव करने पर प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतनी ही संख्याएं होनी चाहिए जितनी जोड़ने तथा घटाव करने वाली संख्या में मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। गुणा भाग में क्या रूल लगेगा? गुणा तथा भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी गुणा तथा भाग होने वाली किसी संख्या में न्यूनतम है। तो आज हमारा टॉपिक था कि हमने सार्थक अंकों में गणितीय संक्रियाओं को समझा था। कल हम वैज्ञानिक संकेत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।